हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पैसा पॉलिसी और बाजार। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको स्टॉक्स का चुनाव कैसे करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अमरदेव सिंह, हेड एडवाइजरी एट एंजल वन, एंड मिस्टर अविनाश शाह गोरखसकर, डायरेक्टर रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज। विवेक मित्तल, रिसर्च हेड जागरण के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे आधे घंटे में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। सो अविनाश, प्लीज एक्सप्लेन, ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, और जो आज की न्यू जनरेशन मार्केट्स में आई है पिछले 2-2.5 साल में, उनको ज्यादा जो झुकाव है वो इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ ही है, और जहां पे उन्होंने कभी कभी बहुत ज्यादा मुनाफा भी पाया, लेकिन जब बाजार उल्टी दिशा में चला तो वहां घाटा भी बहुत पाया। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते कैसे हैं और ये होती क्या है, पहले आप ये समझाइए। गुड मॉर्निंग गीतू। पहली बात तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग मैं एक्टिवली करता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज नथिंग बट मोमेंटम ट्रेडिंग। यानी मार्केट का मूड और माहौल देख के आप कोई लॉन्ग पोजीशन करते हो या शॉर्ट पोजीशन करते हो, और करने के लिए काफी आपको यू नो इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। जैसे आप निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स है उसमें आप काम कर सकते हो, आप एक फ्यूचर का स्टॉक खरीद सकते हो, कैश के स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि 10 मिनट 15 मिनट या मान लीजिए आधे घंटे में आपको एक रिस्क रिवॉर्ड 2% का या 3% का दिन में मिलता है, तो दैट इज द आइडियल काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड फॉर इंट्राडे। मुझे लग रहा है कि देखिए, जो भी बंदा इंट्राडे कर रहा है वो ये बात सोच के कर रहा है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें ऑब्वियसली अगर पोजिशन उल्टा गई तो पूरा पैसा भी जा सकता है। कभी कभी तो यू नो ट्रेडर्स का मार्जिन भी यू नो वाइप आउट होता है। जैसे हमने पिछले 3-4 दिनों में देखा है कि मार्केट में भारी बिकवाली अगर आती है तो उसका मतलब है कोई भी स्टॉप लॉस जो होता है, जो यू नो प्रोटेक्टिव होता है, वो यू नो रहता नहीं है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मोटा मोटी इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। आई थिंक मेरे कलीग अमर जी तो काफी यू नो एक्सपीरियंस है इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निकल में, तो वो आपको ज्यादा यू नो इसके बारे में बताएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग अमर जी, आप बताइए कि इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे हमको बताया अभी अविनाश ने, इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको किन बातों का ध्यान रखना होता है? जी, इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा अविनाश जी बता रहे थे, इट्स प्योरली इंट्राडे, मतलब आप क्या करते हैं अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डे नहीं करते हैं। दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। बिकॉज क्या होता है, जब आप अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डे करते हैं तो जैसा आप मार्केट में कभी देखते हैं अप गैप डाउन गैप, तो उसमें क्या आपके स्टॉप लॉसेस भी हैं वो ट्रिगर नहीं होंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहला ये रूल है कि आपने जो पोजीशन इंट्राडे में बिल्ड किया उसे मार्केट बंद होने से पहले आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप फंडामेंटल्स देखने मत जाइए, बिकॉज फंडामेंटल्स इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बहुत लोग क्या कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो फंडामेंटल्स और वो सब देख के इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, विच इज नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द इमोशंस इन द मार्केट एट दैट गिवन टाइम, द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट, द मूड ऑफ द मार्केट, द मोमेंटम ऑफ द मार्केट, एंड कुछ भी इंपॉर्टेंट यदि न्यूज फ्लो उस पर्टिकुलर दिन है, जैसे आरबीआई पॉलिसी है, यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी है, या फिर किसी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो उससे मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक इम्पैक्ट थोड़ी देर के लिए रहता है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग यदि किसी को सक्सेसफुली करना है तो उसे 2-3 चीजों का ध्यान देना है। पहले तो उसे ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द ट्रेंड इन द मार्केट, एंड द ट्रेंड इज आइदर अप डाउन और साइडवेज। तो यदि आप स्टॉक में किसी स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेंड देखना जरूरी है, यदि आप लॉन्ग साइड में जाना चाहते हैं स्टॉक का ट्रेंड क्या, बिकॉज गो विद द ट्रेंड, गो विद द मोमेंटम। बिकॉज क्या है कि मार्केट्स में हमेशा दो कैंप्स हैं, एक बुल कैंप और बेयर कैंप। सो यू ऑलवेज हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच कैंप इज स्ट्रॉन्गर एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और आप उसके साथ हो लीजिए। तो उसमें कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस हैं, एमएसीडी है, उसके अलावा सुपर ट्रेंड है, ये सब कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव में। तो इन्हें यूज करके आप सबसे पहले ट्रेंड समझिए कि ट्रेंड क्या है, और इसके बाद आप अपने एंट्री और एग्जिट को डिफाइन कीजिए।
यहाँ भी क्या होता है कि यदि आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, इंडेक्स ट्रेड करते हैं, तो यू कैन लुक एट अ 5 मिनट चार्ट एज वेल। लेकिन यदि आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो डोंट गो बिलो 15 मिनट्स, बिकॉज उससे नीचे टाइम फ्रेम में चार्ट नहीं देखना चाहिए फॉर स्टॉक्स प्राइमरली। 5 मिनट इज गुड फॉर इंडेक्स। और एक और भी इम्पोर्टेंट बात है, देयर इज अ वेरी नाइस सेइंग, बी अ डे ट्रेडर बट डोंट बी अ डेली ट्रेडर। जिस दिन आपको ट्रेंड नहीं समझ में आता है उस दिन आप ट्रेड मत कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इन द मार्केट टू मेक मनी, एंड व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर देन ओनली यू टेक अ ट्रेड इन इंट्राडे। तो इंट्राडे ट्रेड में ब्रीफ में इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जी। गुड मॉर्निंग अविनाश सर। सर कहते हैं कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो वो ट्रेडिंग जरूर करता है। सर ट्रेडिंग आपने अब नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन की तो होगी सर, वो कौन सी मिस्टेक्स थी या कौन सी पॉजिटिव्स थे जो आपके साथ थे? विवेक मैंने भी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत की है शुरुआत के करियर में, क्योंकि देखिए शुरुआत में सभी को लगता है कि छोटे समय में बड़ा पैसा बनाने का अच्छा मेथड होता है ये। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी कि निकलने का टाइम जब आता था तभी मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत होती थी। मैं सोचता था आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, और उसमें क्या होता है कि बस निकल जाती थी। और वही मेरे साथ हुआ कि एक बार स्टॉक करेक्ट हो गया तो फिर उसमें बेचने की जो डाउनसाइड शुरू हो गई तो वहां पे बेचने का मौका ही नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे ऐसे काफी निवेशक होंगे, ट्रेडर होंगे, जो टाइमिंग सेलिंग का बहुत बराबर नहीं करते। और यही तकलीफ ट्रेडर से होती है कि खरीदने के समय तो वो सही प्राइस पे एंटर भी करते हैं, लेकिन निकलने का समय जो होता है ना वो बहुत थोड़ा रिएक्शन उनका स्लो होता है। तो मेरे ख्याल से यही मेरी गलती थी, और ये सोच समझ के ही मैंने सोचा कि ये एक्टिविटी जो है इंट्राडे ये हाई प्रेशर एक्टिविटी भी है, तो उसलिए मेरा फोकस मैंने फंडामेंटल चेंज किया। जहाँ पे आपको ज्यादा समय मिलता है, ज्यादा एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा एक एक्सेस मिलता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में योर रिफ्लेक्सेस हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। जैसे कोई क्रिकेटर होता है तो उसको पता होना चाहिए कि कौन से बॉल पे कौन सा स्ट्रोक मारना है, कैसे रिफ्लेक्सेस यूज करने है। तो वैसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग है, आपको बहुत फोकस्ड रहना है, आपको बहुत अपना टेम्परमेंट कंट्रोल करना है, और इधर उधर ना देख के आपको प्योरली नॉन इमोशनल तरीके से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना। बिल्कुल। और सर ये स्ट्रेंथ भी आपकी, क्योंकि आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि यही मिस्टेक थी इंट्राडे ट्रेडिंग में। सर लोग अक्सर यही बात नहीं पहचान पाते कि उनकी वीकनेस क्या थी तो जो इस चीज को पहचान लेता है वही स्ट्रेंथ होती है सर। अमर सर गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो आपने बताया कि न्यूज ड्रिवन पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक जो स्टॉक्स होते हैं लाइक अगर हम रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि पहले दिन अच्छे रिजल्ट्स आए थे मार्केट बंद होने के बाद, नेक्स्ट डे के मूव में वो प्ले करना चाहते हैं। सर उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे उस गेम को प्लान कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट्स का ऐसा रहता है कि बहुत बार आप देखेंगे कि रिजल्ट्स अच्छा है उसके बाद भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला या रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए उसके बावजूद भी स्टॉक में एक रैली देखने को मिली। तो रिजल्ट को सिर्फ रिजल्ट की तरह नहीं देखना है उसमें, क्योंकि जो कंपनी मैनेजमेंट है उनकी क्या फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं या क्या उनके प्रोजेक्शंस हैं, वो भी उनका भी वेटेज एक मार्केट में रहता है पहली बात। दूसरी बात मैं ये जरूर मानता हूं कि यदि आप डेली चार्ट्स पे उस स्टॉक का जिसका भी रिजल्ट आना है उसका आप ट्रेंड देखें तो यू विल फाइंड कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम द रिजल्ट्स आर इन फेवर ऑफ द ट्रेंड। तो यदि आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग इन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड, बट रिजल्ट्स में यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वोलेटिलिटी, बिकॉज उस स्टॉक में आप दोनों साइड की मूवमेंट देखेंगे और उसमें क्या होता है यदि आप इंट्राडे में इफ यू आर नॉट केयरफुल आपके स्टॉप लॉसेस सही जगह नहीं है और बहुत बार सही जगह रह के भी वो ट्रिगर होकर फिर मार्केट आपके फेवर में चला जाता है। So one needs to be cautious there, but being on the right side of the trend is something which is very important. यदि आप results के basis पे भी trade करना चाहते हैं तो। अविनाश अगर हम बात करें intraday trading की बात कर रहे हैं तो हमने position तो ले ली बाजार में, लेकिन बाजार जो है ऊपरी दिशा में गया तो हम अच्छे profits पे होते हैं, लेकिन अगर पलट गया बाजार तो हम स्टॉप लॉस रख के भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि स्टॉप लॉस के नीचे नहीं दिस मैंने एनालाइज तो ठीक किया था स्टॉक को लेकिन थोड़ी दिशा उल्टी पड़ गई, और स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट नहीं करते, उसको शिफ्ट करते रहते हैं। इज दिस अ राइट स्ट्रेटजी?
नहीं, इनफैक्ट देखिए गीतू, इस बारे में जितना भी मैंने मेरे दोस्तों से सीखा है, टेक्निकल ट्रेडिंग मैंने किया तो नहीं है बट सुना है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और फिर भी आप पोजीशन निकालते नहीं है, तो बाद में क्या होगा कि वो लॉस और भी बड़ा हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि काफी छोटे ट्रेडर ऐसे सोचते हैं कि चलो आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो उसके बाद बाउंस बैक आ जाएगा, मैं रिकवर कर लूंगा। लेकिन अगर बड़ा डाउन ट्रेंड आता है तो उसका मतलब क्या है कि जो छोटा लॉस हम पहले एज्यूम करके चल रहे हैं वो लॉस बड़ा हो सकता है। तो आई वुड से दैट जब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो एक सिंपल रूल है कि फॉलो द स्टॉप लॉस डिलीजेंटली विद डिसिप्लिन और आप उस पोजीशन से निकल जाइए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इफ यू डोंट वांट टू मेक अ बिगर लॉस देन आप अपनी पोजीशन को और वीक करते। तो आई थिंक ये जो लोग करते हैं स्टॉप लॉसेस को फॉरगेट करके, या कोई कोई लोग तो स्टॉप लॉसेस लगाते भी नहीं और पोजीशंस डालते हैं, इसमें इट इज अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ ट्रेड। क्योंकि कैपिटल पूरा जाने का एक एक जरिया होता है और वो काफी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि लोग कैपिटल बाजार में जब अपना खोते हैं तभी पूरी तरह से टूट जाते हैं, मेरे ख्याल से उनका कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। तो आई थिंक यू शुड फॉलो द डिसिप्लिन प्रॉपरली इफ यू वॉन्ट टू मेक अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड इन इंट्राडे। अमर सर, स्टॉक सिलेक्ट किसे करना है, क्योंकि आपके पास तो 4,000-5,000 लिस्टेड एंटिटीज होती है, उसमें से इंट्राडे ट्रेड के लिए सिलेक्शन कैसे की जाती है स्टॉक? हाँ, यहाँ बस मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूंगा जो अविनाश जी से बात कर रहे थे जी। कि जनरली क्या ये ट्रेडर और इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी ये रहती है कि जब लोग प्रॉफिट में रहते हैं तब वो ट्रेडर बनते हैं और जब लॉस में रहते हैं तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। बिल्कुल, वो अपने पोजीशन को काटते नहीं है, दैट इज द, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ही इज नॉट कंसर्न्ड, उसका स्टॉप लॉस फिगर हुआ है, गेट्स आउट ऑफ द ट्रेड। वन सेकंड, जो आपका सवाल था कि यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज की बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्शन, इट इज ऑल अबाउट फोकस, इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड इट इज ऑल्सो अबाउट पेशेंस। ये फोर चीज का कॉम्बिनेशन है, एक्शन भी आपको चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इफ यू वॉन्ट टू work on focus then you can't focus on so many stocks, then you'll have to narrow down to maybe 4-5 stocks, 6 stocks at the most, or if you're trading only nifty bank nifty to aap sirf us pe focus kijiye. To sabse pehle to intraday trading mein aapko ye dhyan rakhna hai ki you are trading the most liquid stocks, to jo sabse zyada ab jin stock mein liquidity nahi hai, bid ask spread bahut zyada hai, to you don't need to get into intraday trading at all in those stocks. Because you will, the possibility of making money will be very less because usme market participants zyada nahi hai, volume zyada nahi hai. To intraday trading mein first sabse pehle aapko un stocks pe focus karna hai. For example, yadi main kahun to FNO jo stocks hain ya Nifty 50 stocks hain, to inme aap fir narrow down kar sakte hain. Ab narrow down kaise aap kare ki kaun se stocks mein aapko trade karna hai, to best is ki weekend mein aap ye kaam kijiye. To weekend mein aap daily charts ko analyze kijiye in stocks ke, किसमें ट्रेंड अप का है, किसमें ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए आप मूविंग एवरेजेस का, जैसा मैंने बताया, 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप डेली चार्ट्स पे प्लॉट कर सकते हैं, एमएसीडी हिस्टोग्राम को आप प्लॉट कर सकते हैं, और जहां ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, एमएसीडी हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज ऑल्सो स्लोपिंग अपवर्ड्स, तो दीज आर गुड स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म ऑन द बाय साइड। तो आप क्या कर सकते हैं, वीकेंड में ऐसे निफ्टी 50 के ही आप स्टॉक्स को देखिए, या आपके पास एफएनओ के लिए टाइम है तो आप एफएनओ स्टॉक्स में देखिए, उसमें से जो 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सो यू नैरो डाउन, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन आइडेंटिफाई लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स वेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज, तो आप सपोर्ट के आसपास प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो आप क्या है, उससे आप मार्केट नहीं भी देख रहे हैं लेकिन आपको प्राइस अलर्ट आ रहा है तो आप उस समय ही देख रहे हैं। सो इफ यू एक्ट इंटेलिजेंटली एंड यू स्पेंड सम टाइम देन यू कैन गेट सम वेरी गुड ट्रेड्स। बट हाँ, एंट्री के बाद जो एग्जिट है दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको एग्जिट आइदर प्रॉफिट में करना है या लॉस में करना है, तो वो भी आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा ट्रेड लेने से पहले कि वेर यू विल एग्जिट इफ यू आर इन प्रॉफिट एंड वेर यू विल एग्जिट व्हेन यू आर इन लॉस। तो ये सब दो तीन बातों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है इफ वन नीड्स टू बी सक्सेसफुल इन इंट्राडे ट्रेड। जी अविनाश सर, जब हम ट्रेड करने उतरते हैं तो सर कितना एक
नॉर्मल रेंज में कितना टारगेट लेकर रखना चाहिए कि इतने परसेंट अगर चला तो मैं काट दूंगा अपसाइड पर, इतना डाउन आया तो मैं निकल जाऊंगा? सर क्या एक एवरेज ट्रेडर का रिटर्न होना चाहिए? तो विवेक फ्रैंकली मुझे लग रहा है 2-3% अगर आपको मिल रहा है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। दैट इज द काइंड ऑफ ब्रॉड रेंज जो इंट्राडे ट्रेडिंग कमाता है। मेरे ख्याल से अमर जी विल गिव अ बेटर काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, बट 2-3% दिन में कमाने वाले लोग हैं और जो मुझे लग रहा है काफी है, बिकॉज यू नो फंडामेंटल्स में तो आप जानते हो कि हम 2-3% के लिए तो खुश होते नहीं है, बट डेफिनेटली 2-3% इंट्राडे के लिए आई थिंक शुड बी अ रीजनेबल रिस्क। बिल्कुल। और सर अमर सर ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा लेकिन अब एड ऑन कर पूछूंगा कि सर जनरली ट्रेडर से पूछा जाता है कि आपकी ट्रेडिंग में कितने सक्सेसफुल डेज होते हैं, तो अगर 70-80% डेज आपके सक्सेसफुल हैं तो ठीक है। अब जैसा कि अविनाश सर बता रहे कि 2-3% का एक डेली टारगेट रखना चाहिए आपको, तो सर उस हिसाब से तो एक ट्रेडर कम से कम 400-500% रिटर्न साल का बना लेगा, जो कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो शायद ही मुश्किल ही बना पाएगा। तो सर ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे इन्वेस्टर आकर जरूर पूछते हैं कि इफ यू आर मेकिंग 2-3% रिटर्न ऑन ए डेली बेसिस तो आप तो साल के 256 ट्रेडिंग डेज में आप तो 750% पार कर दोगे, तो सर क्या आंसर होता है? तो इसका उसको सिंपल पहला तो आंसर आपको ये देना है कि जो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है वो भी हर एक बॉल पे छक्का नहीं मारता, पहली बात वो भी बहुत बॉल्स पे आउट होता है। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो एंड यू हैव वन नीड्स टू बी रियलिस्टिक आल्सो, ऐसा नहीं है कि देर आर सम एक्सेप्शनल ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड जिन्होंने 50%, 70%, 100%, 200% एनुअलाइज रिटर्न दिया ओवर अ 5-year, 10-year पीरियड आल्सो। वैसे भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने दिया है, बट ओवरऑल इफ यू सी तो 20-30% यदि रिटर्न को ऑन एन एनुअलाइज बेसिस पे जनरेट कर रहा है विच इज फेनोमिनल, इज अ वेरी गुड ट्रेडर और इन्वेस्टर यू कैन से। अब इंट्राडेट ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा आपने यू राइटली सेड कि 2% यदि दिन का हो तो 250 यदि ट्रेडिंग डेज हैं तो उस हिसाब से 400-500%, दैट्स मोर ऑफ अनरियलिस्टिक एंड विशफुल थिंकिंग। बट वॉट आई हैव सीन इज दैट यू डोंट नीड टू बी राइट 70% ऑफ द टाइम टू मेक मनी। अल्टीमेटली क्या होता है जो सबसे आप किसी भी या आप कभी भी इन्वेस्टर से या ट्रेडर से बात करेंगे तो उनकी एक मेजर यदि आप पूछेंगे आपको कहाँ लॉस हुआ तो वो एक ही ट्रेड में बताएंगे इसमें मेरा हैवी लॉस हुआ। सो उसमें क्या होता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो लॉस मैनेजमेंट है, जो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट है, दैट इज द की ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। आप अपने लॉस वाले ट्रेड से कैसे निकलते हैं सो दैट यू डोंट टेक अ बिग लॉस। तो इसमें क्या देयर इज अ वेरी नाइस सेइंग दैट द फर्स्ट लॉस इज जनरली द बेस्ट लॉस और यू विल टेक द मदर ऑफ ऑल लॉसेस। तो क्या होता है कि जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आइडियली यदि आप देखें तो 2-3% यदि आप रिटर्न किसी स्टॉक में आपको मिलता है विच इज अ वेरी गुड रिटर्न इन इंट्राडे, तो उसके हिसाब से आप अब आपके आप रिस्क जो है यू आइडियली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसे कहते हैं वो 1:2 यदि आप कोई मेंटेन करता है इंट्राडे ट्रेडर देन दैट्स वेरी गुड। सो आइडियली व्हाट इट मींस कि इवन इफ ही हैज अ 40% स्ट्राइक रेट सो इन 40 ट्रेड्स इज मेकिंग 80% एंड इन 60 ट्रेड्स इज लूजिंग 60%, तो 80-60 is 20, still he is breaking even, at least making some money. So if someone has a strike rate of 60% or so and a risk reward ratio of 1:2, then he'll definitely make money. तो जो strike rate के साथ risk reward ratio, stop loss management, और इसमें भी एक important चीज है, जैसे cricket में क्या होता है आपको एक over में 12 runs बनाने हैं तो आपको हर एक ball पे चौके छक्के की जरूरत नहीं है, आप किसी बॉल पे एक किसी बॉल पे दो और कोई लूज बॉल आया तो उसे आप स्टेडियम से बाहर करते हैं। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी कुछ ट्रेड्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे, तो आपको अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को राइड कैसे करना है चाहे वो इंट्राडे हो या पोजिशनल हो वो भी बहुत मायने रखता है फॉर जनरेटिंग गुड रिटर्न्स। अविनाश जी जब हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब न्यूज आती है उसे बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, राइट? तो जब न्यूज आती है तो स्टॉक में इमीडिएट रिएक्शन आता है, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं ये समझ के खरीद लेते हैं कि आज ही न्यूज आई है आज ही इसमें रिएक्शन होगा, ऐसा होता है? बिल्कुल। देखिए गीतू हमारे हिसाब से क्या होता है ना, आज का मार्केट जो है वो बहुत ही वेल रिफाइंड इन्फॉर्मेशन मार्केट है, तो नतीजे आने के पहले ही स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशंस यू नो मार्केट में बिल्ट अप होती है,
फंडामेंटल यू नो एनालिस्ट जो हम काम करते हैं वहां पे तो ऑलरेडी इन एडवांस यू नो एस्टिमेट्स यू नो एनालिस्ट वर्कआउट करते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है कि टेक्निकल्स एक ऐसा साइंस है जो मैं भी मानता हूँ कि आपके फंडामेंटल्स आने के पहले ही शेयर प्राइसेस में दिख जाता है. तो क्लियरली आई थिंक यू नो यू हैव टू बी लिटिल प्रोएक्टिव. और जब न्यूज आती है तब आपने सही कहा कि सेल ऑन न्यूज, तो ये सारे बाजार को न्यूज मिलती है तो उसके बाद सभी लोग जिन्होंने पहले खरीदा है वो ऑब्वियसली यू नो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, बिकॉज इसमें क्या है इट इज बेसिकली यू हैव टू वर्क विद द मास साइकोलॉजी. अगर आप सभी लोग जब खरीदते हैं तब आप खरीदते हो तभी उतना मोटा पैसा आपको बनेगा. तो क्लियरली थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच आपको लेना है. और ये आपने सही कहा कि यू नो बाय ऑन रूमर सेल ऑन, ये हर वक्त होता है क्योंकि मार्केट हमारे से एक कदम ऑलवेज आगे ही रहता है. अमर जी, जब भी हम इंट्राडे में पोजीशन लेते हैं तो क्या हमें हेज भी करनी चाहिए अपनी पोजीशंस, क्योंकि नेकेड पोजीशंस कभी-कभी हानिकारक होती हैं? देखिए वो डिपेंड करता है कि वन गोज इन फॉर सम स्ट्रेटजी. यदि आप कोई स्ट्रेटजी करना चाहते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से, या फिर ऑप्शंस ऑप्शंस, या फिर कैश के साथ आप यूज करना चाहते हैं फ्यूचर्स का, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं. तो यदि स्ट्रेटजी करते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक हेज तो आपका रहता है, सो दैट प्रोटेक्ट्स यू, सो दैट योर लॉस इज लिमिटेड, तो वो आप कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यदि नेकेड पोजीशंस लेते हैं, जैसे कॉल पुट आप बाय करते हैं तो उसमें आपकी लिमिटेड रिस्क रहती है. लेकिन यदि आप नेकेड कॉल या पुट राइटिंग कर रहे हैं देन यू हैव अनलिमिटेड रिस्क. सो अंडरस्टैंडिंग होता ना कि आप जैसे क्रिकेट खेल रहे तो यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ द गेम. उसी तरह से व्हेन यू आर इनटू ट्रेडिंग यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स. तो कुछ जो डोंट्स हैं दे आर अ स्ट्रिक्ट नो नो, यदि दे आर यू दैट वन शुड नेवर गेट इनटू दैट. तो इसमें वो एक है कि नेकेड जैसे ऑप्शंस राइटिंग है दैट इज वन शुड नेवर गेट इनटू, दैट्स वेरी डेंजरस वेरी रिस्की. अदरवाइज स्ट्रेटजीज यस वन कैन डू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आप, अब उसमें क्या है, यदि सपोज आप जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स की मैं बात करूं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं, ऑप्शंस की बात करूं, तो बहुत लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं. तो ऑप्शन बाइंग में सीधा फंडा ये है कि यदि आपकी टाइमिंग अच्छी है एंट्री तो आपको एग्जिट भी वो क्विक करना है, क्योंकि आप बहुत लोग क्या करते हैं ऑप्शन बाय करते हैं और उसको एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं. सो देन दे आर ट्रेडिंग लाइक कैश सेगमेंट, सो दे विल नेवर मेक मनी इन द मार्केट. सो ऑप्शन में आपकी एंट्री और एग्जिट जितनी क्विक हो उतना आप बेटर ऑफ है, बिकॉज ऑप्शंस में एक ग्रीक है ऑप्शन ग्रीक थीटा, जो टाइम डिके जिसको कहते हैं, उससे ऑप्शन का प्रीमियम घटता रहता है. इसलिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वन इज ट्रेडिंग इंट्राडे. इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, यदि एफएनओ में कोई ट्रेड करता है, इंडेक्स ट्रेड करता है, तो वहाँ डेरिवेटिव्स डेटा भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे ओपन इंटरेस्ट हो गया, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप किसमें स्ट्राइक्स में चल रहा है, उसके बाद पुट कॉल रेशियो क्या है, कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, उसका ट्रेंड कैसा है. तो ये सब थोड़ी सा और लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन बढ़ता है. बट यदि आप सिर्फ स्टॉक्स की बात करें जो एफएनओ में नहीं है, तो उसके लिए आप वॉल्यूम देख सकते हैं और ट्रेंड जो है जैसा मैंने बताया टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ देख सकते हैं. अविनाश सर, जब एक कोई भी इंसान ट्रेडिंग को एज एन प्रोफेशन चुनना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई एजुकेशन जरूरी है? तो मैं तो समझता हूँ कि पहले आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, आपको अपने ट्रेड्स पे यू नो रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मैनेज करनी है. अगर मान लीजिए आपने पहले दिन से ये सोच लिया कि भाई मैं पूरा पैसा यू नो ट्रेडिंग से ही कमाऊंगा और सैलरी की जरूरत नहीं है, तो आपको बहुत बड़ा धक्का मिल सकता है. रही बात यू नो आपने अगर मान लीजिए 6 महीना साल भर उसके ऊपर ट्रेडिंग की, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन की, तो उसके बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि हाँ भाई 50% मैं ट्रेडिंग से कमा सकता हूँ, 50% सैलरी से आती है. और जैसे जैसे ट्रेडर और कॉन्फिडेंट होता है, अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करता है, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि हाँ भाई आई कैन बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर. क्योंकि देखिए ट्रेडिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ प्रोफेशन, ये कोई आसान बात नहीं है. जैसे इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट में भी काफी समय और पेशेंस लगता है. तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्विक मनी वाला स्कीम नहीं है, इसमें काफी मेहनत और रिसर्च और एनालिसिस जाती है. जैसे फंडामेंटल्स है वैसे टेक्निकल के भी काफी लोग हैं. तो मैं तो कहूंगा कि किसी भी चीज को अगर आपको मास्टरी करना है तो आपको समय देना है. तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो लंबा समय के लिए इसमें उतरना चाहते हैं, तो उसके बाद ही यू नो यू कैन थिंक अबाउट इट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन. आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से अगर दोनों चीजें करने की कोशिश करोगे तो यू नो काफी भारी नुकसान हो सकता है. जी
अमर सर, अगर कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो क्या उसको इनिशियली कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में ट्रेडिंग शुरू कर लेनी चाहिए कि ठीक है इन्हीं में शुरू करता हूँ मार्जिन्स वगैरह लेकर, या एफ एंड ओ से भी शुरू कर सकता है? और एफ एंड ओ में करता है तो फ्यूचर से शुरू करे या ऑप्शन से? देखिए, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि यदि यदि मैं इन्वेस्टिंग को या पोजिशनल ट्रेड पोजिशनल जो इन्वेस्टिंग है पोजिशनल ट्रेडिंग जिसे कहते हैं उसे मैं रेसिंग कार से कंपेयर करूं तो ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक रॉकेट शिप। तो जब आप रॉकेट शिप में हैं तो आपकी जो महारत है एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। तो जब कोई इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है तो ही शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद द कैश सेगमेंट, बिकॉज क्या होता है कि उसमें एक आप बाइंग साइड में रहते हैं, एक लिमिटेड कैपिटल आप है, स्टॉक में यदि कुछ करेक्शन भी होता है और यदि स्टॉक, और उसमें भी इम्पोर्टेंट है कि फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स में ना जाएं जिसका नाम भी आपने सुना नहीं हो, किसी ने आपको रेकमेंड कर दिया और आप उस स्टॉक में बाई कर लेते हैं, या फिर पेनी स्टॉक्स जो हैं जिसकी वैल्यू बहुत कम है वो भी लोग लगता है कि नहीं बहुत सस्ते में मिल रहा है इसे ले लूं ये इतना हो जाएगा। नेवर गेट इन टू ऑल दैट, दैट क्विक रिच गेट क्विक रिच स्कीम डज नॉट वर्क इन रियल लाइफ। तो ये समझना बहुत जरूरी। तो यदि आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो उन स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए विच आर क्वालिटी स्टॉक्स, विच आर ब्लू चिप स्टॉक्स, विच आर गुड स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। उसके बाद वंस यू स्टार्ट गेनिंग नॉलेज, होता है ना कि आप पहले 12th करते हैं, मतलब 10th करते हैं 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये सब जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दे आर इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो डोंट गो डायरेक्टली इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिकॉज वो आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज यदि ट्रेडिंग के रूल्स इज लाइक क्रिकेट तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज लाइक फुटबॉल सॉकर, उसके रूल्स अलग हैं। तो आपको वो डेप्थ में जाके सीखना पड़ेगा। उसमें भी फ्यूचर्स में क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फ्यूचर्स में अनलिमिटेड रिस्क है। तो वहां क्या है, कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस यदि आप बाइंग करते हैं तो उसमें लिमिटेड रिस्क है, और उसमें यदि आपकी टाइमिंग सही नहीं है या आप अपने कॉल ऑप्शन बाय कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को होल्ड करते हैं एक्सपायरी तक, देन ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी फॉल्स सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द थीटा इफेक्ट। तो ये जानकारी होता है ना कि अ फूल एंड इज मनी आर सून पार्टेड, तो आपको नॉलेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेन करना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एरिया। और जैसा अविनाश जी भी पहले कह रहे थे कि आप पूरे मंथ काम करते देन यू गेट सैलरी, तो व्हाई यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू गिव यू मनी सो इजीली। आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा जो ट्रेडर है, देन ही और शी विल मेक मनी। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। अविनाश, वोलेटाइल मार्केट में क्या करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर को, क्योंकि कभी कभी बहुत ही शार्प स्विंग्स होते हैं, अप स्विंग्स एंड डाउन स्विंग्स, तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मार्केट जब सेकुलर तरीके से बढ़ता नहीं है या गिरता नहीं है, वोलेटिलिटी मार्केट में अगर ज्यादा बढ़ती है तो हम तो क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज इंट्राडे और वेदर इट इज पोजिशनल फंडामेंटल यू नो बाइंग, इसको थोड़ा सा यू नो आप साइडलाइंस पे हो जाइए। क्योंकि देखिए, वोलेटिलिटी जब आती है, स्विंग्स आते हैं, तभी जो भी ट्रेडर है उसका स्टॉप लॉस जो टेक्निकली हम सेट करते हैं वो कभी मेंटेन होता नहीं है, स्टॉप लॉसेस बहुत इजीली ट्रिगर होते हैं। तो आई थिंक वोलेटाइल मार्केट्स को आपको जज करना है, अगर बहुत सारा वोलेटिलिटी होता है, जिसके जैसे कि 2-3 दिन पहले हम सभी ने जो कटाई देखी है, ऐसे मार्केट्स में कोई भी इंट्राडे ट्रेडर काम ही नहीं कर सकता। तो मैं वही कहता हूँ कि जो रोज करना जरूरी नहीं है, रोज अगर इन्वेस्टमेंट बाइंग भी नहीं करनी है, थोड़ा सा शांति से बाजू में यू नो साइडलाइन में हो जाइए, मार्केट जब स्थिर हो जाएगा स्टेबलाइज हो जाएगा तभी वापस आप एंटर कर सकते हो। तो वोलेटिलिटी में मेरे ख्याल से आपको अपनी बहादुरी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अमर जी, आप करंट मार्केट सिनेरियो में क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं एज फार एज द इंट्राडे ट्रेडिंग इज कंसर्न्ड? देखिए, ओवरऑल यदि अभी की बात करूं तो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट मार्केट्स बोथ वेज वी आर सीइंग अ मूवमेंट, और उसमें भी क्या हो रहा है कि सेल साइड इज मोर प्रोमिनेंट, तो स्टॉक्स में एक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, इंडेक्स कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि एक बेयर्स जो है वो अभी हावी है मार्केट पे, तो इस कारण से वो मार्केट यदि बाउंस बैक भी करता है तो देर इज सेलिंग प्रेशर। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्लियरली शो दैट देर इज सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट्स एंड देर इज डेफिनेटली लिमिट टू द अपसाइड इन द शॉर्ट टर्म। दूसरी बात है, जो अभी हम लोगों ने आज का जो बाउंस बैक देखा, तो यदि मैं आपको टेक्निकल बताऊं तो ये 100 मूविंग एवरेज का लेवल है निफ्टी का, तो जो टेक्निकल इंडिकेटर ट्रेडर है वो यदि इस लेवल को वॉच कर रहा है तो मे बी टुडे मॉर्निंग कुड हैव बीन अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सन। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ एक क्या होता है कि जो पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनको पूरी दुनिया देखती है,
तो वो जब लेवल्स आते हैं तो जिन्होंने शॉर्ट किया वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो उस लेवल पे रिस्क लेते हैं, बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी फेवरेबल. क्योंकि आपको और बार क्या होता है, व्हेन द मार्केट्स अपीयर द रिस्कीएस्ट दे माइट बी द लीस्ट रिस्की, एंड व्हेन द मार्केट्स अपीयर द लीस्ट रिस्की दे माइट बी द रिस्कीएस्ट. तो टेक्निकल इंडिकेटर से आपको ये सब पता चलता है कि कब मार्केट में एंटर कर सकते हैं, क्या लेवल है. तो अभी काफी समय से, जैसे मैं निफ्टी की बात करूं, तो वी हैव बीन ओवरऑल दैट नो देयर इज अपसाइड सीम्स टू बी कैप्ड मोर ऑन द सेल साइड, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए. और जब आप फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स में करते हैं तो यू कैन गो बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसलिए भी काफी लोग ऑप्शंस में आते हैं. बट अंडरस्टैंडिंग दैट एज आई सेड इज इंपॉर्टेंट बिफोर गेटिंग इनटू समथिंग. अविनाश सर, जब ट्रेडिंग करते हैं तो सर टेक्निक्स तो अलग चीज होती है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ये भी मानते हैं कि किस्मत भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सर आप कितना मानते हैं? कि पहली बात तो किस्मत काफी इंपॉर्टेंट होती है, लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस में कोई काम नहीं करता, बट जो एम्पेरिकल एविडेंस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एम्पेरिकल एविडेंस कहता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ 1% का सक्सेस रेट होता है. तो आप समझ सकते हो कि ये इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर होता है, थोड़ा सा आपका यू नो नॉलेज भी होता है, यू नो स्किल भी होती है. तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें बिल्कुल लक ही लक है, लक नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत एनालिसिस और स्किल भी है. और जैसे फंडामेंटल में होता है कि यू नो हमारे फंडामेंटल में तो टाइम एलिमेंट में कोई यू नो प्रॉब्लम नहीं होती, हमको काफी लंबा समय मिलता है. यहाँ पे बहुत छोटे समय में आपको रिस्क रिवॉर्ड निकालना होता है. तो आई वुड से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड लक विवेक. बट बहुत यू नो लोगों का ये मानना है कि ये लक ही होता है, तो लक नहीं होता. क्योंकि जब कोई बड़ा पैसा बनाता है तो लोगों को लगता है बहुत आसान है, ये बिल्कुल आसान नहीं है, इसमें काफी मेहनत लगती है. और जैसे फंडामेंटल में एनालिसिस होता है, वैसे टेक्निकल में भी काफी डाटा क्रंचिंग होती है एफएनओ के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए स्पेशली. तो ये यू नो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको पैसा कमाना है यहाँ पे, तो स्किल और लक और उसके साथ काफी एनालिसिस और हार्डवर्क की जरूरत है. जी अमर सर, एक ट्रेडर का डेली रूटीन क्या होना चाहिए सर? क्योंकि ट्रेडर और इन्वेस्टर का सर जो पैटर्न होता है बहुत अलग होता है. करेक्ट. तो देखिए, ट्रेडर जो है ही हैज टू बी इन द मार्केट ऑल द टाइम, सिंस द मार्केट ओपन्स टिल द टाइम द मार्केट क्लोजेस. सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ट्रेडर जब मार्केट, मैं तो ये मानता हूँ कि ट्रेडर मार्केट एंटर करने से पहले उसे ये देखना चाहिए कि हाउ इज ही फीलिंग दैट डे, मतलब वो उसकी तबीयत कैसी है, उसका मूड कैसा है, इज ही डिप्रेस, इज ही सैड, इज ही ओवर कॉन्फिडेंट, इज ही स्टेबल. बिकॉज यदि आप इमोशनल हैं, यू आर ऑन द हाई साइड ऑफ इमोशंस, एंड दैट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड डे टू ट्रेड. मतलब यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डे, देन डोंट ट्रेड दैट डे, बिकॉज यू विल बी ट्रेडिंग योर इमोशंस. बिकॉज द पीपल हु मेक मनी इन द मार्केट्स, बीट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, दे आर लॉजिकल एंड रैशनल पीपल. वो इमोशंस को साइड में रख के फिर मार्केट में आते हैं. ट्रेडिंग में इसकी और ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज ट्रेडिंग यू आर सीइंग एवरीथिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. इन्वेस्टिंग एज इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आपने स्टॉक खरीदा और आप उसे लंबा होल्ड कर रहे हैं. ट्रेडिंग में यू आर सीइंग योर एम टू एम ऑन अ रियल टाइम बेसिस, पैसा बन रहा है, जा रहा है, बन रहा है, फिर उसमें लॉस हो रहा है. इसीलिए दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई वुड रेकमेंड एनी ट्रेडर, हाउ ही और शी इज फीलिंग दैट डे. इफ यू आर फीलिंग गुड, हेल्थ अच्छा है, देन यू ट्रेड, अदरवाइज डोंट ट्रेड दैट डे. फर्स्ट. सेकेंडली, होमवर्क करना बहुत जरूरी है. ट्रेड मार्केट में एंटर करने से पहले यू शुड हैव आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5-6 स्टॉक्स जिसमें आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो. शॉर्ट के लिए यू हैव टू गेट इनटू फ्यूचर्स और ऑप्शंस. तो यदि आपकी वो एक्सपर्टीज है, देन गो इनटू इट. अदरवाइज आइडेंटिफाई ओनली लॉन्ग स्टॉक्स, उसमें भी हाईली लिक्विड स्टॉक्स, और आप एंड ऑफ डे भी कर सकते हैं डेली चार्ट्स पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करके. उसके बाद आपको ये देखना है कि किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग करनी है उस स्टॉक की. उसके लिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स यूज कर सकते हैं. कहाँ से स्टॉक को सपोर्ट मिलता है, कहाँ रेजिस्टेंस मिलता है. इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस आप यूज कर सकते हैं, जैसे 100 पीरियड, 200 पीरियड, 65 पीरियड, ये सब प्लॉट कर सकते हैं. इससे आपको मेजर लेवल्स मिल जाएंगे. तो दोज कैन बी गुड एंट्री पॉइंट्स. उसी हिसाब से आप एग्जिट डिफाइन कर सकते हैं. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आपने अपना माइंड जो है वो तो एक सबसे पहला है. दूसरा है कि आपने स्ट्रेटजी की. थर्ड इज मनी मैनेजमेंट, कि आप स्टॉप लॉस कैसे मैनेज कर रहे हैं, रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं. यदि सपोज किसी के पास 100 रुपीज है, यानी कि एक्सक्यूज मी,
वो 100 रुपीज को पूरा एक स्टॉक में लगा दे, तो उसको जो है डाइवर्सिफाई करना मतलब एक ट्रेड में उसे 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, तो इस पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो दिस विल मेक अ पर्सन अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, बिकॉज इफ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन अगेन दैट इज यू आर टेकिंग इमोशनल डिसीजंस। अमर सर जाते जाते ये बता दिए, विच हैज बीन योर बेस्ट इंट्राडे ट्रेड एंड विच हैज बीन योर वर्स्ट इंट्राडे ट्रेड? सी बेसिकली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को इंट्राडे पे बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, सो प्राइमरली एंड दैट आल्सो वीकली ऑप्शंस। सो इसमें क्या है, द रियल फन इज हियर बिकॉज यू सी मनी मेड एंड मनी लॉस्ट लाइक दिस। सो there have been trades in options on the buy side, because I primarily look more on a buying side, buying of options, because okay. It's all timing. If timing is good, then this is the best thing to be in. So isme aise trades bhi mile hain jisme there have been multiplier effect in terms of options, and yes, the risk, as I say, maine ek cheez bahut acche se sikha hai ki risk ne jisne manage karna seekh liya usse market mein darne ki zarurat nahi। तो रिस्क को डिफाइन करके, जैसे कोई ट्रेड है और उसमें आप और ऑप्शन बाय करते हैं तो मैक्सिमम रिस्क इज द ऑप्शन प्रीमियम। सो देयर आई हैव, यस देयर हैव बीन ट्रेड्स व्हिच हैव गॉन रॉन्ग, बट देन दैट्स पार्ट ऑफ इट, यू कांट हिट 6 ऑन एवरी बॉल, बट एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग रन्स दैट्स फाइन। अमर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बैठे बैठे बहुत कुछ सीख लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। विवेक तो वैसे ही एक्सपर्ट है, लेकिन इन्होंने भी बहुत कुछ सीख लिया होगा विवेक। बिल्कुल मैम, कुछ चीजें होती हैं जो बेसिक्स में आपको, जब आप कोचेस से मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। तो आज के लिए इतना ही, अगले पैसा पॉलिसी बाजार में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।